हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स ट्रिक्स पे, सिंप्लीफिकेशन शॉर्ट ट्रिक्स। जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हों, ये एक ही क्वेश्चन दो टाइप से डिफाइन किया गया है, तो जब आपके पास ये क्वेश्चन हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है, जस्ट आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आधा सेकंड मान लीजिए आप उसको करने में आपको लगेगा। तो जब आपको ये क्वेश्चन हो √5 × √5 × √5, लेकिन ये इन्फिनिटी तक है और यहाँ पे लिमिट डिफाइन है, ये केवल चार बार है। तो जब ये क्वेश्चन हो, जब इन्फिनिटी तक हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो आंसर होता है यही नंबर होता है, यानी इसका जो आंसर होगा एक्स, जब ये जो नंबर दिया होगा। लेकिन जब यहाँ पे होगा तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे नंबर 5 है 6 है 7 है, उससे कोई पहले मतलब नहीं है। आपको जस्ट ये देखना है कि ये कितनी बार आया, 1 2 3 एंड 4, तो आपको 2 की पावर 4 लिख देनी है सबसे पहले। तो 2 की पावर आपकी 4 होती है 16, और 16 से एक ऊपर वाला नंबर यानी 2 की पावर 4 − 1 यानी वो कितना होगा, 15। अब आपको जो ये नंबर है 15/16, उसको इसकी पावर का में बना देना है, तो इसका आंसर होगा 5 to the power 15/16। तो जब ये क्वेश्चन जब लिमिट डिफाइन हो तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, और जब लिमिट डिफाइन ना हो तो आपका जब इन्फिनिटी तक हो तब सिंपली आपका आंसर हो जाता है जो आपको नंबर दिया हुआ है। अब आपके पास दो क्वेश्चन है, जब बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, और ये वैल्यू आपकी इन्फिनिटी तक आगे प्रोसीड हो रही है। तो आपको इस वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको इनके फैक्टर करने हैं, और आपको फैक्टर क्या करने हैं, इस तरीके से करने हैं 7, तो कि उनको जब गुणा करा जाए तो उनको की वैल्यू ये आनी चाहिए, और उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए। तो जब आप 42 को तोड़ेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 7 × 6, 7 × 6 = 42, और इनके बीच का डिफरेंस है वो 1 है। और जब आप 56 को तोड़ेंगे तो ये हो सकता है 8 × 7, 8 × 7 = 56, और इनके बीच का डिफरेंस भी 1 है। अब आपको क्या देखना है, केवल यहाँ पे प्लस और माइनस का खेल है। जब आपका क्वेश्चन प्लस में पूछा जाएगा तो आपका आंसर बड़ी वाली वैल्यू होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। लेकिन जब आपका क्वेश्चन माइनस में है तो तब आपका जो वैल्यू होगी वो छोटी वाली होगी, इसका भी आंसर 7 है लेकिन यहाँ पे बड़ी वैल्यू 8 थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन प्लस में है या फिर माइनस में है। ये मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के चार टाइप के क्वेश्चन बताए, जो कि आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको जस्ट सिंपली 1 और 2 सेकंड में आपको इनको इजीली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।